वाइन जितनी पुरानी बनती जाती है उतनी ही बेहतर बनती जाती है। वेल, कहीं लोगों का यही मानना है, पर क्या ये बात सच है या झूठ? आइए आज के हमारे एपिसोड में, वाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनल हॉलैंड, मास्टर ऑफ वाइन, एंड वाइन की दुनिया में आपकी हम सफर। मेरे साथ दो वाइन्स हैं, एक है जो कि 2007 में बनी हुई है, तो अभी ये 15 साल पुरानी है, और ये जो वाइन है ये 2019 विंटेज की है, तो मतलब ये 2 साल पुरानी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वाइन बेहतरीन है, ये वाइन इतनी बेहतरीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हकीकत तो यही है कि जो 5% वाइन्स बनती है दुनिया में, वो जब वाइन मेकर बनाता है तो यही सोच कर बनाता है कि इस वाइन को लंबे समय तक रखना है, और ये जितनी देर हम रखेंगे उसे अच्छी तरह से स्टोर करेंगे तो कुछ समय तक वो वाइन इम्प्रूव होगी बॉटल में। तो बेसिकली कुछ वाइन्स ऐसी बनती है कि उन्हें ऐसे ध्यान में रखा जाता है कि हाँ, ये वाइन जो हम बनाएंगे वो बहुत लंबे समय तक चले, इसको ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। पर जो बाकी की 95% वाइन्स है, उन्हें जो बनाया गया है वो ये सोच कर बनाया गया है कि ये वाइन्स को ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है। वाइनरीज जो वाइन बनाते हैं वो चाहते हैं कि बहुत सारी वाइन्स बिके, और सब जो वाइन एंजॉय करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चाहेंगे कि इस वाइन को हम 4 साल रखें फिर एंजॉय करें। वाइन की क्वालिटी जो है उसे टेस्ट करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाइन अच्छी है या बुरी है। ये वाइन्स उसी इरादे से बनी गई हैं कि हम उसे बनने के बाद 2 या 3 सालों में कंज्यूम करें। अब दुख की बात यह है कि जब तक हम ये बात समझते नहीं हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ, हम इस वाइन को, बॉटल को जितनी देर तक, जितने सालों तक रखेंगे वो बेहतरीन बनती जाएगी, पर ये बात सच नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम समझें कैसे कि इस वाइन को ज़्यादा देर रखना है या उसे जल्दी पी जाना है। मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ कि आप जल्दी से कैसे समझ पाओ कि इस वाइन को रखना है या नहीं, और उसके लिए आपको इस वाइन का प्राइस टैग देखना है। तो यानी आप अगर इंडिया में रहते हो और अगर आप वाइन खरीदने जाओ और अगर 3,000 या 4,000 रुपये से कम दर्जे की अगर ये वाइन है, उससे 4,000 से ज़्यादा सस्ती है, तो आपको समझना है कि इस वाइन को 2 या 3 सालों में ही पीना है, इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। इस ब्रैकेट में, इस प्राइस ब्रैकेट में हमारी काफ़ी सारी इंडियन वाइन्स आ जाती हैं, हमारी कुछ इम्पोर्टेड वाइन्स जो है जो कि थोड़ी कम प्राइस पॉइंट पे है, इतनी महंगी नहीं है, ये सब जो वाइन्स हैं उन्हें जल्दी से एंजॉय करने के लिए बनाया गया है। कुछ वाइन्स जो है वो अगर 4,000 रुपये से या 5,000 रुपये से ज़्यादा कर, 7-8,000 रुपये से ज़्यादा अगर प्राइस पर ये वाइन्स बनी है, तो समझ लीजिए कि ये वाइन्स उस इरादे से बनी गई हैं कि ये ज़्यादा देर तक हम रख सके। तो शायद ही ये वाइन्स आप 4, 5 या मैक्सिमम में भी 7 सालों तक आप रख सको और फिर भी आप इसे इंजॉय कर पाएंगे, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको कभी भी इस बात का डाउट है और आप समझ नहीं पा रहे हो, स्मार्ट डिसीजन होगा आपकी तरफ से कि आप उसे जल्दी पियो और ना कि इसे बहुत सालों तक रखो, क्योंकि आप जितना इसे ज़्यादा रखोगे उसका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अभी आप जाके जल्दी से अपना वाइन कैबिनेट खोलिए, आप ये जो डेट लिखी होती है वाइन बॉटल पे ये देखिए, इसे विंटेज डेट कहते हैं, और अगर ये वाइन ज़्यादा महंगी नहीं है उसे जल्दी से अनकॉर्क कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो आई होप ये आपने आज का वीडियो एंजॉय किया, आपको कुछ नया सीखने को मिला। हमारे YouTube चैनल सोनल हॉलैंड वाइन TV पे सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हम और बहुत सारे वीडियोस आप बनाकर आपके पास लेकर आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड फिर मिलेंगे। चीयर्स।